हेलो फ्रेंड्स, आई एम दो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ न्यूड सिंथेसाइजिंग बायो प्लेसेंटा सीरम का। सीरम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले तो मैं बता दूं सीरम हमें क्यों यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए। सीरम हमें क्यों यूज करना चाहिए, सीरम की क्या खासियत है जो हमें यूज करना चाहिए। सीरम क्या होता है, हमारी स्किन में बहुत डीपली लेयर तक जाकर उसको हाइड्रेट बनाता है, नमी बरकरार रखता है, उसमें दाग धब्बों को दूर करता है, आपकी स्किन को एंटी एजिंग बनाए रखते हैं। सीरम के बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि ये डीपली लेयर तक जाकर आपकी स्किन को जवा बनाए रखता है। तो सीरम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सीरम लगाना चाहिए। न्यूड ने हाल ही में लॉन्च किया है न्यूड सिंथेसाइजिंग बायो प्लेसेंटा सीरम। तो सीरम आपको क्यों लगाना चाहिए आपको पता चल गया, और ये सीरम इसमें क्या खासियत है, और आपको मतलब किस तरीके से लगाना है, और मुझे ये कैसे लगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरी डिटेल मैं आपको इसमें वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो क्या है पूरे एंड तक देखिएगा। इसका जो क्वांटिटी है वो 30 ml है, एंड इसका प्राइस 780 है जो उसमें शो किया हुआ है। बट अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाता है। नीट की डायरेक्ट वेबसाइट भी है, आप उधर भी जाके मतलब वहां से भी इसको परचेज कर सकते हो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। न्यूड के और भी सीरम है, मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग मंगाया है, और आप भी अपने स्किन के अकॉर्डिंग मंगा सकते हो जो आपकी स्किन पे सूट करे। एंड इसकी जो लाइफ है वो 2 ईयर है। और इंग्रेडिएंट मैंने स्क्रीन पे लगा दी है, आप पोस्ट करके देख सकते हो। इसमें बायो प्लेसेंटा 2% स्किन को रिजुविनेट एंड रिकंस्ट्रक्ट रखता है। इसमें एडवांस्ड इंग्रेडिएंट है बायो प्लेसेंटा। बायो प्लेसेंटा 5 ग्रोथ फैक्टर के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। EGF, IGF-1, FGF एसिड, FGF अल्कलाइन एंड VEGF अमीनो एसिड एंड विटामिन। आपकी स्किन को एंटी एजिंग एंड मॉइस्चराइज रखता है, और आपकी स्किन के इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, और स्किन में न्यू सेल्स को प्रमोट करता है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड 1% है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को जवा बनाए रखता है, नमी बरकरार रखता है, एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, एक्ने स्कार्स को दूर करता है। तो अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कितनी क्यूटी सी है। तो इसको मैं खोल के आपको दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने इनके काफी सारे प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं होते जो आपके स्किन को या हेयर को नुकसान पहुंचे, तो इनके प्रोडक्ट मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं। तो इसमें भी कोई भी हार्श हार्म केमिकल नहीं है जो आपके स्किन को नुकसान पहुंचाए। और इस तरीके का बोतल आती है, तो ये मैंने निकाल लिया था क्योंकि मैं यूज कर चुकी हूँ उसको। ओके, तो ये इस तरीके का लगा हुआ आता है इसमें। तो ये इसकी कैप है, प्लास्टिक की कैप है, एंड कांच की बोतल है, और ये मैं इसी में ही लगा के रखने वाली हूँ। बट मैंने निकाल लिया था क्योंकि मुझे आपको बताना था, और ये मैं इसी में ही लगा के रखने वाली हूँ, एंड ये मैं साइड में रख देती हूँ। तो ये आपको इस तरीके से निकालना है, 3-4 ड्रॉप्स अपने फेस पे यूज करना है। अब फेस पे यूज कैसे करना है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको दिन में 2 बार इसे यूज करना है। ओके, दिन में 2 बार सुबह शाम आपको यूज करना है। आप मेकअप करते हो, मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हो, कोई भी SPF यूज करते हो उससे पहले आप यूज कीजिएगा, यानी आपको फेस क्लीन करने के बाद में, कैसे भी आप फेस क्लीन करते हो फेस वॉश वगैरह से, तो क्लीन करने के बाद में आपका जब फेस हल्का सा वेट हो, यानी अगर आपको ज्यादा फायदे चाहिए सीरम के, तो आपका फेस हल्का सा वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, आप उसमें 3-4 बूंद लेके अपने फेस पे नेक पे यूज कीजिए। ओके, लगा सकते हो या फिर कॉटन वूल से भी लगा सकते हो आप, और अच्छे से अप्लाई कीजिए, थोड़ी सी मसाज दीजिए 1-2 मिनट में, यानी 1 मिनट में ही एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, और आपकी स्किन आपको हाइड्रेट लगती है, मतलब नमी लगती है, हाइड्रेट लगती है, और एक तो जान सी लगती है स्किन में, फटेगी नहीं, और स्किन में जैसे बहुत ज्यादा खिंचावट आती है, जैसे हम ठंड में भी खिंचावट आती है, वो चीज नहीं होती। और स्किन में बहुत सारे फायदे होते हैं सीरम के। सीरम क्योंकि वाटर बेस्ड होता है, तो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, और डीपली लेयर तक जाके आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फायदे पहुंचाता है, जो एक मॉइस्चराइजर नहीं पहुंचा सकता वो सीरम पहुंचाता है। तो इसलिए हमें सीरम का यूज जरूर करना चाहिए। तो ये वाला सीरम क्यों यूज करना चाहिए, इसमें बायो प्लेसेंटा है एंड इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, तो इसलिए हमें ये वाला सीरम भी यूज करना चाहिए। एंड तो मुझे काफी पसंद आया है, मैं इसे यूज कर रही हूँ, एंड देख सकते हो मैंने मेकअप का यूज नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसलिए यूज नहीं किया मेकअप का, क्योंकि मुझे अपना फेस आपको दिखा था जैसा फेस है, बस मैं लिपस्टिक लगाई है एंड मेकअप बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। तो मैं आपको पास से ही अपना फेस दिखा रही हूँ,
तो आप देख सकते हो कि कितनी चमक है, अच्छे से चमक रहती है आपके फेस पे। तो मेरे फेस पे चमक मुझे लग रही है, फटाफटा खिंचा खिंचा ऐसा फेस नहीं लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है कि हमने कुछ लगा लिया है। लाइट वेट है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, चिपचिपा नहीं लग रहा है। अपनी स्किन मुझे इससे बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगती है और कोई भी इरिटेशन वगैरह नहीं की है इसने। जैसे कि मैंने और भी कोई सीरम यूज किया था, मैं नाम नहीं लेने वाली उस सीरम का, तो उसने मेरे फेस पे इरिटेशन की थी, जलन हो रही थी मुझे उस सीरम को लगाने के बाद में, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं है, कोई भी इरिटेशन वगैरह नहीं हुई है, यानी कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है। तो मुझे इसलिए सीरम अच्छा लगा है और मेरी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, एक मिनट हार्डली लगता है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर वगैरह मैं लगा लेती हूँ, या फिर मुझे मेकअप करना होता है तो इसके बाद में मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, फिर उसके बाद में ही मेकअप करती हूँ। ओके, तो मेकअप से पहले भी आप यूज कर सकते हो, दिन में 2 बार यूज करना है और मैन एंड वीमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं और कोई भी मौसम में यूज कर सकते हैं, यानी ये नहीं कि आपको समर में ही यूज करना है, विंटर में यूज नहीं करना, विंटर समर दोनों ही मौसम में आप यूज कर सकते हो। तो कोई भी मौसम में यूज कर सकते हैं, मैन एंड वीमेन दोनों यूज कर सकते हैं, और मुझे ये काफी अच्छा लगा है क्योंकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, डीपली लेयर तक जाता है, तो सीरम तो हमें यूज करना चाहिए, तो ये सीरम मैं यूज कर रही हूँ एंड मुझे कोई भी तरीके की साइड इफेक्ट नहीं हुआ, इरिटेशन नहीं हुई है सीरम से। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक बार तो ये आप मंगवा के देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो ताकि किसी की हेल्प हो सके। और तो गाइज, अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है जो मैंने डाल दिया है, आप परचेज कर सकते हो। अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इनके सीरम है, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही सीरम मंगाइएगा। मेरे स्किन पे क्या सूट करना था मैंने वो मंगाया है, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग मंगा सकते हो। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो गया, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कर देने एक लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन ढेर सारा कुछ अलग और नया करने का। यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन घंटी आएगी उसे जरूर हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।